मनिका थाना क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ पिकेट के पास छठी क्लास का छात्र राहुल भुइया उम्र 12 वर्ष अपने घर में रविवार की शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक के पिता सोहराई भुइया के द्वारा बताया गया कि शाम में बकरी लाने हुए जंगल की ओर गए हुए थे। वापस आने पर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी दरवाजा जब अंदर से नहीं खुला तो आसपास के लोगों को बुलाया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उसने बताया कि जैसे ही घर के अंदर गए राहुल को फांसी पर लटकते देखा। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शुभम कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार राहुल मध्य विद्यालय कुमार डीहा छठी क्लास का छात्र था। वह शाम में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर वापस लौटा था। उसके बाद उसने अपनी मां की साड़ी को घर के छप्पर से बांधकर फांसी पर लटक गया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पुलिस से अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। छात्र की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कच्छन नर्सरी से 10वीं तक बच्चों को एडमिशन कराएं और 5 मार्च तक निशुल्क रहने खाने तथा शिक्षा के साथ नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल तथा सीएचएस की तैयारी।